हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बचे हुए चावल का आप टेस्टी राइस कैसे बना सकते हैं। ये टमाटो राइस है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है, बनाने में उतना ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें एक चम्मच मैंने तेल डाला है। तेल आप कम भी डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें एक चौथाई छोटा चम्मच मैंने शाही जीरा डाला है। नॉर्मल जीरा नहीं है ये, शाही जीरा है। इसमें एक मैंने स्टार फुल डाला है, एक मैंने छोटी इलायची डाली है ग्रीन वाली, दो से तीन हम लौंग डालेंगे, और साथ में मैंने यहाँ पर एक लाल मिर्च तोड़ के डाला है। आप एक से दो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने थोड़े से कड़ी पत्ता डाला है, इन सबको हम भूनेंगे। इसके अंदर मैंने दरदरा कूटा हुआ लहसुन डाला है। लहसुन आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, नहीं तो कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से दरदरा डालने पे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। इसे हम भूनेंगे कुछ सेकंड के लिए। तो मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है। इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। तो प्याज को मैंने ऐसे स्लाइस में कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बारीक नहीं कट किया है। एक छोटा साइज़ का प्याज है ये, अगर बड़ा साइज़ का है तो आप आधा डाल सकते हैं। इसमें मैंने नमक डाला है, तो अभी मैं नमक थोड़ा ही डाल रही हूँ जिससे प्याज आसानी से गल जाए। इसके लिए प्याज हमारा थोड़ा भुन गया है, हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसमें काफ़ी सारा टमाटर डालेंगे। तो टमाटर को भी मैंने इसी तरह से लंबे लंबे चॉप कर लिया है। तो मैंने दो टमाटर इसमें कट करके डाले हैं, और इसमें हम थोड़े थोड़े मसाला डालेंगे। तो आधा छोटा चम्मच मैंने धनिया का पाउडर डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली हूँ, और एक चौथाई छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। क्योंकि ये मसालेदार फ्लेवर फुल होता है, तो इसमें ये सभी मसाले जाते हैं। नॉर्मल जो हम घर पे प्याज वाला चावल बनाते हैं उससे कहीं भी काफ़ी अलग होता है ये। इसके अंदर मैंने थोड़े से भुने हुए मूंगफली डाले हैं। अगर आपके पास भुना हुआ मूंगफली नहीं है तो आप पहले तेल में मूंगफली को भून के निकाल लें। इसमें मैंने एक से डेढ़ कप चावल डाला है जो बचा हुआ रात का है। आप फ्रेश चावल का भी बना सकते हैं। तो एक ये जो है डेढ़ कप चावल का जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो है एक बड़ी कटोरी से, टिफ़िन के हिसाब से मेरे पास बचा हुआ था उसी के हिसाब से मैंने डाला है। इसको हम दो से तीन मिनट तक भून लेंगे, और इसके अंदर मैं थोड़े से पुदीना भी डाल रही हूँ। तीन से चार पत्ते पुदीने को इस तरह से टुकड़ों में तोड़ के मैंने इसमें डाल दिया है। साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और इसको फिर से हम थोड़ा टाइम के लिए भून लेंगे। और इसमें मैंने जस्ट गार्निशिंग के लिए ही कच्चा वाला टमाटर डाला है, लेकिन बीच बीच में खाने में जब आता है तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब हम फाइनल इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर से हम एक दो मिनट के लिए भून लेंगे। चावल को हमें चार से पाँच मिनट तक भूनना है, इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा चावल बनके रेडी हो गया है। इसे आप गर्मा गर्म खाए, टिफ़िन में भी दे सकते हैं बच्चों को या फिर बड़े को, इसे बनाइए खाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए।